तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद लड्डू में मिलावट का मामला सार्वजनिक होने के बाद यूपी सरकार सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सूबे में अब ढाबों और होटलों समेत ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच के साथ ही उनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों का भी पुलिस सत्यापन किया जाएगा। देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई कुछ आपत्तिजनक घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटलों ढाबों रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच और सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस दाल और रोटी जैसी खानपान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट अखाद्य तथा गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली है। ऐसी घटनाएं विभत्स हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है। ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किए जा सकते। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाने आवश्यक हैं। ऐसे ढाबों और रेस्टोरेंट आदि खान पान के प्रतिष्ठानों की जांच की जानी आवश्यक है। प्रदेश व्यापी सघन अभियान चलाकर इन प्रतिष्ठानों के संचालक सहित वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का सत्यापन किया जाए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन पुलिस व स्थानीय प्रशासन संयुक्त टीम द्वारा यह कार्यवाही शीघ्रता से संपन्न कराई जाए। खान पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक प्रोप्राइटर मैनेजर आदि के नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले किए जाने चाहिए। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यकतानुसार संशोधन भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ढाबों होटलों और रेस्टोरेंट आदि खान पान के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी की व्यवस्था हो, न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी सीसीटीवी से कवर होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएगा। खान पान के केंद्रों पर साफ सफाई होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने तथा सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क ग्लव्स का उपयोग जरूर करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आम जन के स्वास्थ्य हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। खाद्य पदार्थों को बनाने बेचने अथवा अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े नियमों को व्यवहारिकता का ध्यान रखते हुए और सख्त किया जाए। नियमों की अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।